अभी हमें हाँ सतीश भाई के साथ आया मैं भी परिसर में पहुंच चुके हैं। वही 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 ये मौके इश्तवार डॉक्टर चतुरलाल मनार जी उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके हमरा डॉक्टर नादिर डॉक्टर मतलब सर मेडिकल एम्प्लॉइज के लोग भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जब आएंगे तो आप खड़े होके उनका पर्मानेंट शेख नासिर का हार्दिक अभिनंदन। ने सजा रखी है इनके लिए रखी है, तो मैं एक बार जो हमारे डाइस पर जो म्यूजिशियन जो पार्टी बैठी है तो मैं इनका भी एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने आज के इस प्रोग्राम में चार चांद लगाए। तो हमारे किश्तवाड़ के सिंगर फलक बिलाल जी, उसके साथ जो ढोलक मास्टर हैं शादाब जी, ये किश्तवाड़ से ही हैं, और उनके जो ऑक्टोपैड जो पे बैठे हुए हैं हमारे ये उधमपुर से आए हैं सुलिंदर जी, और शहबाज जो हमारे यहाँ पर आज का ये साउंड सिस्टम जो है संभाल रहे हैं, आप सभी पूरी टीम का हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है और शुक्रिया है कि आपने आज या गुड बाय जिसे कहते हैं, एक ऐसा लफ्ज है जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे लफ्ज होता है। जब घर से बेटी की विदाई होती है तो पूरा परिवार रोता है क्योंकि अलविदा कहते हैं। वो इसी दुनिया में होती है, दूसरे घर में चली जाती है, लेकिन अलविदाई और रुखसती का वो जो माहौल होता है वो तकलीफ दे होता है। ठीक उसी तरीके से जब कोई दुनिया से चला जाता है हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है, और ठीक उसी तरीके से आज एक महकमे से एक फैमिली से जब उस घर का बड़ा उस फैमिली को छोड़ करके कहीं और जा रहा हो तो दुख और तकलीफ आप सब लोगों के दिलों में जो है उसे मैं महसूस करता हूं, क्योंकि मेरी भी थोड़ी बहुत याकूब साहब के साथ रगबत रही है, उनके साथ मिलना जुलना रहा है। कि जब भी कोई शख्स जो काम करता है, देखिए वैसे तो दुनिया में जो भी आता है वो काम करने के लिए आता है, एक पर्पस से आता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम को मजबूरी समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को जज्बा जोश हिम्मत और यूं कहिए कि रिलीजन समझते हैं, और वही कामयाब रहते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने जो है 90s में कहीं ड्यूटी दी है वार्ड वन में, आफ्टी में, मतलब 90s में ड्यूटी दी है, तो उस दिन को लोग याद करते हैं क्योंकि इन्होंने वहाँ पर ईमानदारी दयानतदारी से और लोगों के काम आए हैं, लोगों की खिदमत की है वहाँ पर, तब भी आज भी ये वहाँ जाते हैं तो लोग इनको याद करते हैं।
आजकल बेशतर लोग हम में से जो है, अगर उस टाइम इन्होंने वहाँ पर पेरेस्टामोल की टैबलेट 10 रुपए की भेजी होती तो शायद जब भी जो ही इनकी गाड़ी वहाँ रुकती तो सारे लोग उधर मुंह फेर लेते। लेकिन मैंने पहले ही अर्ज किया कि हमारे पास अल्फाज ही नहीं है इनकी खूबियाँ बयान करने को। बाकी आप लोग भी सभी जानते हैं इनके काम के बारे में, यहाँ पर बैठे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मुझे नहीं लगता है कभी इन्होंने किसी को डांटा ना हो, लेकिन वो क्या वो काम के लिए डांटा होगा। बहुत सारे लोगों को सबको इनके साथ काम करने का मौका मिला, तो ऑफिसर की जो डांट होती है वो सीख होती है, उससे आदमी कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। ये खुद भी जो काम करते थे और ये लोग चाहते थे, ये चाहते थे कि लोग जो बाकी एम्प्लॉयज हैं ये भी इसी तरह से करें। हमेशा इनका यही होता था, कभी मिले गाड़ी में कहीं पर कोई बुकलेट इनके पास गाड़ी में होती थी, ये ले लो, ये पढ़ो, ये करो। और इनके साथ मैं बहुत साथ करीबी रहा हूँ, इनके साथ काम करने का मौका भी मिला, काफ़ी साल इनके साथ काम किया, और जो भी कुछ सीखा, जो भी कुछ आज हैं, जो भी आपके सामने हैं, ये सब इनकी देन है, इनके सिखाए हुए हैं हम। तो मैं यहाँ पर जो है आप लोगों का टाइम काफ़ी हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए यहाँ पर हमारे एक डॉक्टर विभो हैं, तो वो भी आपके सामने आकर दो लफ्ज़ बोलेंगे। हो किसी चीज़ में तो उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं, और हम पूरे किश्तवाड़ ब्लॉक की तरफ से सर से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी वजह से पूरे सर्विस में कहीं भी किसी एम्प्लॉयज की वजह से कभी हम लोगों की तरफ से कोई ज्यादती हुई हो, किश्तवाड़ उनने कहा यार भेज दो इस डिस्ट्रिक्ट को, हेल्थ वालों को भेज दो हिमाचल को, हमें नहीं जरूरत, वो काम ही नहीं करते। लेकिन आप लोगों ने काम करके दिखाया, हिम्मत मरते मरते खुदा, अगर आप हिम्मत करोगे हम किसी से कम नहीं है, किश्तवाड़ किसी से कम नहीं है। लेकिन यही है कि में हमें बोला जाता था कि किश्तवाड़ को कोई खरीद ले, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को हमारे यहाँ काम करो काम करो काम करो, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्क, थैंक यू आराम, थैंक यू, काम करो काम करो काम करो, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्क, थैंक यू आराम, थैंक यू।